Thank you very much, everybody, for joining me. Ajmilis Tartik, a special guest there. He's somebody who played 77 test matches for Pakistan, scoring 4,660 runs at an average of nearly 40. 60 ODIs, 12 test hundreds, 10 T20Is. Wonderful batsman to watch, stylish middle-order batter, and he recently retired from all cricket. Very warm well, welcome to Asad Shafiq. Asad bhai, kaise ho? थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपका और आज हमारा और आपका आज का ताल्लुक तो है नहीं बहुत पहले से भी आपसे जो है काफी इंटरव्यू हुए हैं और एक दफा फिर आपने मुझे बताया कि आप करना चाहते है, तो आपके लिए अभी तक फिट लग रहे हैं <laughs> फिटनेस हाँ है बेहतर है वो नहीं है जो प्राइम फिटनेस थी उस तरह की फिटनेस नहीं है लेकिन अभी भी क्योंकि खेल रहा हूँ क्योंकि बस ये लास्ट कुछ मैचेस हैं जिस तरह अभी ट्रॉफी का फाइनल हमारा कल से स्टार्ट है यहाँ पे वर्सेस अच्छा रिटायरमेंट की दो तीन जो है वो वजह थी एक तो ये जो कि रियलिस्टिक के बात करें कि एज अब इस इस तरफ जा रही थी कि आपको प्राइम फिटनेस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये फिटनेस जो मेंटेन करते हैं ना तो इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क होता है तो एक स्टेज आता है बंदा बोलता है कि यार उस तरह का हार्ड वर्क अब नहीं हो पा रहा कोशिश भी कर रहा हूँ दूसरा ये था कि मेरा इस गेम से जो एक इमोशनल कनेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा था मेरे लिए ये आ, सिर्फ इसका जो मोटिवेशन थी ना ये गेम खेलने की वो सिर्फ मेरा पैशन था मेरे पैशन के अलावा कभी किसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट नहीं किया ना कभी किसी पैसे ने ना कभी शहरत ने किसी चीज ने मुझे मोटिवेट नहीं किया सिर्फ मेरे पैशन ने हमेशा मोटिवेट किया तो मुझे ये फील होता है कि मेरा पैशन थोड़ा सा ना वीक हो रहा है और ये मैंने डिसाइड किया होता है कि जब मेरा पैशन वीक होना शुरू हो जाएगा ना तो तब मैं बोलूंगा नाउ इट्स टाइम सर भाई देखो आपका न्यूज़ थी कि सिलेक्शन रोल आपको पीसीबी देगा तो अभी कोई कुछ कंफर्म नहीं हुआ अपडेट दे दो जी जी वो आ, मेरी बात हुई थी पीसीबी से जब मैंने रिटायरमेंट ली तो उसके बाद ही उन्होंने मुझे सिलेक्शन कमेटी की की जॉब ऑफर लेकिन जो कि ये सिंध प्रीमियर लीग आपको पता होगा अभी हुई है रिसेंटली उसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट था तो मैंने पीसीबी से बात की थी कि मुझे आप ये खेल लेने क्योंकि मेरा जो है ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है मेरी कमिटमेंट है तो अभी इस तरह उनको एंड टाइम पे मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो ठीक है फिर उन्होंने मुझे बोला कि सही है आप ये एस खेल लें उसके बाद हमें ज्वाइन कर लीजिएगा लेकिन आपको पता होगा कि बोर्ड में भी काफी चेंजेस हुई हैं चेयरमैन साहब भी नए आए हैं तो अभी मैंने उनसे बात की है वहाज से मेरी बात हुई है कल तो बोल रहे हैं जरा सेटल डाउन हो जाए चीज है ये चेयरमैन साहब अभी नए आए हैं ये देख लें जरा उसके बाद फिर कुछ डिसाइड करेंगे तो ये है लेटेस्ट न्यूज

और मैंने एक्सेप्ट किया और चीज खत्म हो गई आपने फिटनेस के बात की है, मुझे तो ऐसा लग रहा टी है तो टी ट्वेंटी क्रिकेट के लिए आपको प्राइम फिटनेस नहीं चाहिए उसके बगैर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन अगर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है लॉन्गर फॉर्मेट खेलना है तो उसके लिए आपकी फिटनेस प्राइम होनी चाहिए तो अभी ये प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है उनकी प्रियोरिटी पे पर वेरी करता है कि वो अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं वो टेस्ट खेलना चाहते हैं या वो उनकी प्रियोरिटी वनडे और टी ट्वेंटी है तो ये तो वो प्लेयर खुद बता सकते हैं अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनको अपनी फिटनेस जो है टॉप क्लास रखनी पड़ेगी अगर ये लीग्स वगैरह खेलना चाहें तो इसमें तो आप फिर अगर आपकी फिटनेस मतलब प्राइम नहीं है उसके बगैर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं क्रिकेट जो है दैट इज द टफेस्ट फॉर्म आर्ट हमारे जो कोई कोई यंगस्टर्स है इतना फोकस नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट पर देखें अगर आप देखें ना पिछले पांच सालों में पांच छह सात सालों में ना तो डायमेंशन जरा चेंज हो गई है इस गेम की ना जब से ये लीग्स वगैरह आई हैं और जब से टेस्ट uh, test... कि हम अब से अभी तकरीबन चार पांच साल पहले आप चले जाएं तो साल में दस टेस्ट मैच हो जाते थे दस ग्यारह बारह टेस्ट मैच होते थे तक तकरीबन अब आप अगर देखेंगे तो साल में सिर्फ पांच से टेस्ट मैच होते वो क्यों क्योंकि लीग्स इतनी ज्यादा आ गई हैं तो वो विंडोज इतनी मिल नहीं पाती है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा खेल सके तो मेरा ख्याल है कि शेप अफ तरह हो रही है चीजें और अब और फिर आपको पता है कि क्राउड भी ज्यादा ट्वेंटी ट्वेंटी लाइक करता है उसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा होती है कम टाइम में मैच का रिजल्ट आ जाता है लेकिन आपने जो बात की कि टफेस्ट टेस्ट क्रिकेट इज द फॉर्मेट उसमें आपके पेशेंस का टेस्ट है उसमें आपकी फिटनेस का टेस्ट है उसमें आपकी आप क्या कहेंगे कि पैशन का टेस्ट है हर तरह से वो वो फॉर्मेट ना आपको चैलेंज करता है तो फिर घूम फिर के बाद यही आ जाती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है अभी जिस तरह आपने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखा होगा उनका जो नया फास्ट बॉलर आया उसने उसने जो इंटरव्यू में बात बोली उसने बोला कि मैं हमेशा से टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दूंगा चाहे मैं चाहे मैं कितना भी जो है वो आप क्या कहेंगे वेल पेड प्लेयर बन जाऊं हाईली पेड प्लेयर बन जाऊं लेकिन मैं कभी भी जो है वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर लीग्स को जो है वो प्रायोरिटी नहीं दूंगा तो ये वही एज ए इंडिविजुअल आपके पैशन की बात आ जाती है कि आप अपने आप को कहा देखना चाहते हैं और असफ भाई देखो आपने कहा कि बोर्ड के, के चेंजेस है वहां आपकी बात हुई एक प्लेयर के लिए ये जो अनसर्टनटी है कांस्टेंट चेंजेस ऑफ चेयरमैन स्टेबिलिटी नहीं है है प्लेयर्स तो कह के कि यार हमारा काम है क्रिकेट खेलना लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये जो अनसर्टनटी है प्लेयर्स को अफेक्ट करती है जी जी साइफ भाई बिल्कुल करती है देखिए आपका कोच से और कैप्टन से जब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा ना जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी अगर कोच और कैप्टन से और मैनेजर से या बोर्ड के जो जो करता थरता लोग हैं उनसे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना तो आप भी को भी क्लैरिटी मिलती रहेगी और बोर्ड भी क्लियर होगा तो ये ज्यादा चेंजेस होना फॉरन ये एज अ प्लेयर भी मेरा ख्याल अच्छा नहीं होता स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज में क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है तो वो टाइम से पहले अगर ज्यादा चेंजेस आ जाएंगी तो ना, ना प्लेयरों को बोर्ड की समझ आएगी ना बोर्ड को प्लेयरों की समझ आएगी हर कोई जो है वो अनसर्टिनिटी

ये टाइम पर असद भाई पाकिस्तान काफी स्ट्रगल कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में व्हाट आर द रीजंस ब्रदर देखिए साजिद भाई सही बोला आपने लास्ट टूर जो है पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं रहा फिर होम सीरीज भी एक दो अगेंस्ट इंग्लैंड वो भी अच्छी नहीं रही मिडिल ऑर्डर अगर, अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा नया है सऊद भी अभी आया है आगा भी अभी आया है और बाबर ऑबियसली वो ए, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इमाम भी अभी पिछ, पिछले तीन चार साल वो भी खेल चुका है वो भी एक्सपीरियंस है तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ना हमेशा एशियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं और जिसका पहला टूर होता है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल करता है क्योंकि वहाँ के बाउंस और पे से यूज होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है आ, तो यही यही चीज होती है एज अ प्रोफेशनल जो आपको चीजें देखनी पड़ती हैं कि यार हमारा जिस कंट्री में हम जा रहे हैं तो वहां की क्या कंडीशन है वहाँ क्या बॉल पेस से आता है बॉल बाउंस कैसा 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 होता है वहां कैसा है सीम कैसा है स्विंग सीम तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है है लेकिन मेरा ख्याल कि ये चीज बहुत अच्छी हुई है कि पाकिस्तान में क्रिकेट अब शुरू हो गई है पाकिस्तान में टेस्ट मैच होना शुरू हो गए इससे जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा मैंने इस चीज को बहुत मिस किया थ्रू आउट द कैरियर क्योंकि मैं जितना दस साल पाकिस्तान की तरफ से खेला हूं मैं हमारे होम जो है वो दुबई होता था दुबई अबू धाबी शारजा मैचेस होते थे आप जितना भी कह लें लेकिन वो पाकिस्तान वाली फीलिंग आपको कहीं नहीं आ सकती जो आप एक बाउंड्री एक पे भी जो है सपोर्ट आप, कर रहा होता है फिर टेस्ट मैच जीतने पे जिस तरह का चेयर अप करते हैं तो मेरा ख्याल है ये चीज बहुत अच्छी हो गई है कि यहाँ पे टेस्ट मैच होना शुरू हो गए और जहाँ तक आपने बात की आजकल टेस्ट टीम की तो मेरा ख्याल है बहुत टैलेंटेड लड़के हैं इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अभी थोड़े यंग है

आपके कौन uh, देखिए मैं अभी जो पिछले दो तीन साल डोमेस्टिक उनमें जो बैट्समैन मैंने देखे हैं और जिन्होंने है, में, में भी डे में भी टी ट्वेंटी तीनों फॉर्मेट में थ्रू आउट बहुत अच्छा खेला है फिर कामरान गुलाम उसकी भी जो है वो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही हैुरैरा है मोहम्मद हुररा ऑल दो उसका ये साल बहुत

कम्युनिटी के लिए कि इनको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इनशाला ये जो है आपको दिखेंगे कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं हमारे कभी कभी सिलेक्टर्स आते हैं असद भाई तो प्लेयर सेलेक्ट करते हैं रॉन्ग फॉर्मेट में कभी कभी सेलेक्ट करते हैं जब उनका प्राइम टाइम नहीं है और कभी कभी सेलेक्ट करते हैं एक सीरीज के लिए तो फिर निकाल देते हैं टीम को ऐसे सेलेक्टर ऑब्वियसली जब इनशाला आपको रोल मिला तो

जो है इंटरनेशनल वनडे में जगह मिलनी चाहिए कुछ ऐसे हुए हैं चीजें कि किसी ने डिफरेंट फॉर्मेट में परफॉर्म किया और उसे जो है वो जगह डिफरेंट फॉर्मेट में मिल गई है कभी टीम के भी ऐसे होते हैं कि उस फॉर्मेट में जगह नहीं होती तो उस इस तरह से फिर उसको अकोमोडेट करने के लिए दूसरे फॉर्मेट में उसे खिलाया खे, जाता है लेकिन फिर ये इस बात को मेक श्योर sure करना चाहिए कि जैसे ही उस फॉर्मेट में जगह बने जो वो डिजर्व करता है तो उसको फिर लेके आना चाहिए यहाँ कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि फिर वो डिफरेंट फॉर्मेट में खिला के और फिर वो प्लेयर जो है वो थोड़ा सा दूर हो गया उसको उस तरह से चांस नहीं मिल पाया लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप किसी को चांस दे रहे हैं या तो आप जो है ना किसी को नहीं दे चांस या अगर देना है तो उसे फेयर चांस मिलना चाहिए उसे ऐसा नहीं कि आप उस पर डाउट क्रिएट करें वो खुद भी फिर प्लेयर में डाउट आ जाते हैं ना कि यार पता नहीं एम आई गुड एना फॉर नॉट अगर एक दो इनिंग्स किसी खराब हो जाती हैं तो फिर वो ये ना सोचे कि यार पता नहीं मैं मैं जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल हूँ भी नहीं हूँ तो देखें ड्रॉप होने से ना ड्रॉप होने से सबसे ज्यादा जो डाउट्स क्रिएट होते हैं ना वो ड्रॉप होने से होते हैं कि पता नहीं यार कि शायद आई एम नॉट गुड गुड एनफ तो वो डाउट नहीं क्रिएट होने देना है। हम एज अ मैनेजमेंट या एज अ अलेक्शन कमेटी उस बात को मेक श्योर sure करना चाहिए कि उसे जब चांस देना है तो उसे प्रॉपर चांस देना है उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके चांस देना है कि यार ये ये मैचेज हैं तुमने खेलने ही खेलना है Asad baba so for your thank you very much always wonderful speaking with you really appreciate your time and all the best for the future brother thank you so much sajid bhai thank you so much